जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ चल रही है। जहांगीरपुरी हिंसा पर दिल्ली पुलिस का बयान बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हिंसा के मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। हिंसा में 8 पुलिस कर्मियों समेत 9 लोग जख्मी। इस मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 15 लोगों के कस्टडी की अभी तक जानकारी थी। अब गिरफ्तारी की बात करें तो 9 लोग अरेस्ट हो गए हैं। वरुण वसीम हमें और जानकारी देंगे। वरुण, 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए 15 लोग सबसे पहले आपको बताया तो वो डिटेन किए गए थे, वो जानकारी ली जा रही थी, कौन वहां मौजूद था, वो सीसीटीवी फुटेज थी वो कंगाली जा रही थी। बहुत से सीसीटीवी इस वक्त टूटे हुए नजर आए, उसको एक अलग एंगल से जांचा जा रहा है। तो इस वक्त वो पूरा कल जो शाम को यहां पर जो वीडियोस लगातार हम टाइम्स नाउ नवभारत पे दिखा रहे हैं, वो असल में उन सड़कों पे क्या हो रहा था वो दिखाते हैं। इस वक्त वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा जो अपने आप में उस दंगे को बयां कर रही हैं, आप समझिए। क्योंकि जब दंगा रोकने के लिए यहां पर वो पूरा दस्ता मौजूद है, वो इस तरह से हिंसा बदल गई थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जब कौन कहां से किस पर हमला आ रहा है। तो वो अपने आप में उसको दंगा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। कुछ लोग हैं, क्योंकि आप समझिए जब ये सब चीजें हो रही थी तो आसपास रहने वाले लोगों के घरों में क्या चीजें हो रही होंगी, छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उनके साथ क्या बीतरी होगी, वो चश्मदीद से पूछते हैं कि क्या हो रहा था मैम जब उस वक्त जब पूरा हमला शुरू हुआ। सबसे पहले तो कब, कितने बजे के आसपास शुरू हुआ, अगर आप पूरा बताएं। हम लोग मार्केट के अंदर थे, शायद 6 या 6:30 बजे का टाइम था। सी ब्लॉक मार्केट के अंदर सब्जी वगैरह ले रहे थे तो एकदम भगदड़ सी मची। यहाँ से आने का रास्ता नहीं था, वहाँ से बैक आए तो यहाँ जितना झगड़ा हो रहा था ना, हम लास्ट में रहते हैं जबकि झगड़ा यहाँ था और हम लास्ट कोने में रहते हैं। वहाँ से लोग भगते हुए आए, बच्चे खेल रहे थे उनके ऊपर गिर जा रहे थे, जो बुजुर्ग थे उनका बीपी वो हो जा रहा था एकदम से, पूरी पब्लिक भगती हुई आ रही थी। लोग कहीं इधर भाग रहे, कोई उधर भाग रहा है, गली के सारे गेट बंद हो गए थे, इस तरह से अफरा तफरी मची थी। तो पत्थरबाजी शुरू हो चुकी थी क्या, मतलब आग लगा दी गई थी गाड़ियों पे, हमने देखा जिस तरीके से अभी आपके जस्ट पास पे आपके घर के पास में आग लगाने वाला मतलब हम देख रहे हैं। तो क्या हो क्या रहा था उस टाइम, कौन लोग थे, कहां से आ रहे थे, किन गलियों से, ये तो पता नहीं। सामने की साइड से लोग भगे हुए आ रहे थे, हम उसी के पीछे मार्केट के अंदर थे तो बैक साइड से हम आए और उधरी से भगते हुए जितने लोग वो भगाते हुए लेकर आ रहे थे ना, तो वो अंदर की साइड भग रहे थे और उनके ऊपर गिर जा रहे थे, बच्चों के ऊपर, जो बूढ़े बुजुर्ग थे, इधर से उधर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि झगड़ा। सड़क की हालत कैसी हो गई, क्या था मतलब, अगर सड़क की हालत तो इतनी बंजर थी, मतलब बियर की बॉटल्स, ईंट पत्थर, ये सारा पूरा रोड भरा हुआ था। ये तो साफ सफाई करवाई है क्योंकि कैंप लगा है, अगर प्रशासन नहीं होती तो ये झगड़ा लग नहीं रहता कि संभल सकेगा आम पब्लिक से। तो बिल्कुल देखिए वो जो तस्वीरें अहजा अपने आप में बयां कर रही है, 2020 के दिल्ली दंगे की तस्वीरें भी ऐसी ही कुछ ऐसी ही थी। लेकिन अगर मैं आपको आसपास वो पत्थर और ये दिखाऊं कि साफ तौर पे इनको कोशिश तो की गई है कि वो दिनचर्या जो अगले दिन नॉर्मल शुरू हो, लेकिन आपको आसपास वो भरे हुए पत्थर जो कट्टों पे अलग में साइड में किए गए हैं वो नजर आ जाएंगे। इन पत्थरों की तरफ अगर आपको दिखाएं तो ये अभी इस वक्त इनमें वो पत्थर हैं, वो उनको साइड किया गया है, जिस तरह का भी सामान था आसपास वहां पर मौजूद था ये सब कुछ। ये यहां पर इस वक्त पहली स्थिति में समझ आ रहा है। जब सामने की तरफ से गली, जब आसपास गलियों पे जब हमला शुरू हुआ था तो इन पतली पतली गलियों की तरफ लोग भागने लगे थे, जैसा कि हमें इन महिला ने बताया कि इन छोटी छोटी गलियों में सब अपनी जान बचाने के लिए इन गलियों की तरफ पहुंचे जब सामने से पत्थर मारे जा रहे थे। तो क्या लोग इसमें अंदर घुस घुस के भाग के आ रहे थे क्या? रेडी जला दी उसके आ रहे थे, हम लोगों ने ताला लगा दिया, गेट बंद कर दिया था हमने। हाँ जी, देखिए इसको अगर मैं इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इसको पूरा कौन लोग थे, क्या आया खासकर, क्या पेट्रोल जल छिड़का, क्या किया? नहीं, हजारों की संख्या में इधर से लोग आए थे, उन्होंने मतलब प्रताप किया था यहाँ पे। ये देखो, ये तोड़ दी स्कूटी पूरी। तो कौन लोग थे आपको समझ आ रहा था कुछ? ये नहीं पता, यही थे, इधर ही के थे सारे। हाँ, सारे इधर थे। बिल्कुल देखिए इस वक्त वो स्कूटी है, उन पे हमला हुआ है। क्या टोपी लगाए रखे जो सारे मुसलमान है, मैं तिवारे सब। आप मतलब उस टाइम क्या था, बच्चे वगैरह यहाँ खेल रहे थे? बारे खेल रहे सारे, हम ले जाके अंदर भागे, सारे लोग इधर को पत्थर मार रहे, डंडे मार रहे, सब चीज बसाए उनको, तलवार भी और बंदूकें भी थी, चली बंदूकें भी चली, तलवारें भी थी उनके पास, लोग मार मार रहे नहीं है। अब क्या वो स्थिति आप समझिए, वो तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं, वो चश्मदीद बता रहे हैं कि उस समय किस तरह के माहौल, वो हालात पैदा हो गए थे, अपने ही घरों में दुबकना पड़ रहा था, जो बुजुर्ग थे आप सोचिए कि वो उनके ब्लड प्रेशर हाई होने लग गए थे, आप सोचिए बच्चे जो बाहर थे उनके माता पिता उनको बच्चों को बाहर खोजने जा रहे थे। तो स्थिति इस तरह की हो गई थी, प्रशासन पहुंचा, प्रशासन की इस वक्त वो स्थिति थी उसको सुधारा तो गया, लेकिन वो स्थिति अपने आप में जब एक बार बनाई गई है, जिसके द्वारा बनाई गई है, उसको दिल्ली पुलिस अब लगातार पकड़ने की कोशिश कर रही है। उन उपद्रवियों तक पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर किसी सिविलियन के साथ इस तरह की चीजें हुई हैं तो उनकी सुरक्षा करना भी तो दिल्ली पुलिस का ही काम है। आपके पास वापस आ रही हूँ, मोहित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहित,
तलवारें थी इन लोगों के हाथ में, बंदूक थी इनके हाथ में, गोली तक चली है और गोली एक पुलिस वाले को भी लगी है। इसके साथ ही देखिए पुलिस कमिश्नर ने तो कल निर्देश दे दिए थे मोहित की फोर्स की तैनाती यहां पर अभी रहेगी कुछ समय के लिए और कई अलग अलग संवेदनशील इलाकों में भी तैनाती की गई है। साथ ही आम लोगों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मोहित कि वो लोग किसी तरह की अफवाह में ना आए और अगर उनकी आंखों के आगे वो लोग आते हैं जिन्होंने कल हिंसा की है तो दिल्ली पुलिस का सहयोग करते हुए दिल्ली पुलिस को इस बाबत जानकारी दें। मोहित आप जवाब दीजिएगा, मैं वापस आपके पास आ रही हूँ। दिल्ली में हिंसा के बाद अब बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है, लगातार इस पर सियासी बयानबाजी भी आ रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी हालात को संभालना या वहां पर जवानों की तैनाती करना। वहीं बीजेपी जो है केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। सुनिए क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के जन्मोत्सव पर पथराव हुआ है। हमने अभी अभी वहां के पुलिस अधिकारियों से भी बात करी, एडिशनल डीसीपी मौके पे मौजूद हैं, उनसे भी बात हुई। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं जो भी दोषी है उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए, उनके घरों में हथियार तो नहीं है, उनकी आईडी क्या है। मैं समझता हूं इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये लगातार जो घटनाएं हैं वो बहुत ही साजिश के तहत हो रही हैं, ऐसा हमें पूरा विश्वास लग रहा है। शांति बनाए रखना, बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। वोट बैंक की राजनीति के कारण ये लोग देश में इस तरह का वातावरण पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं, ये नफरत के बीज बोने का काम जो विपक्षी दल कर रहे हैं अपनी राजनीतिक नैया को डूबने से बचाने के लिए, ये देश की जनता बड़े ध्यान से देख रही है। इनके कारनामे जनता ने पहले भी देखे, इनको पहले भी नकारा है और आगे भी जनता नकारेगी। तो सियासी बयान क्या आ रहे हैं इस पर ये हमने आपको सुनाया। मोहित मैं आपके पास आ रही हूँ, ओवर टू यू मोहित। आज बीजेपी का डेलीगेशन भी पहुंच रहा है, सियासत ना हो क्या इन नेताओं को इस जगह पर जाने से नहीं बचना चाहिए? देखिए दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो भी पॉलिटिकल नेता आएंगे उनको एक जगह पे रोका जाएगा, आगे नहीं आने दिया जाएगा जहाँ पे हिंसा हुई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पे जांच कर रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी हैं, जो नॉर्थ वेस्ट जिले की डीसीपी हैं उषा रंगरानी, उनका मैसेज आया है और उन्होंने बताया है कि इसमें 9 लोग घायल हुए थे जिसमें से 8 पुलिस वाले हैं और एक सिविलियन है और एक पुलिसकर्मी के हाथ में गोली लगी है और उससे साफ है कि इस पूरे मामले में जो पूरी हिंसा हुई है उसमें गोलियां भी चली हैं जैसा शुरुआत में खबर आ रही थी। और इस पूरे मामले में जो FIR दर्ज की गई है उसमें आर्म्स एक्ट लगाया गया है, यानी ये साफ है कि जो हिंसा हुई है उसमें गोलियाँ चलाई गई हैं। आपको दिखाते हैं जो हिंसा वाले क्षेत्र थे वो किस तरफ थे। ये एक रूट था जो कुशल चौक से दाएं की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे जो शोभा यात्रा है वो आगे की तरफ बढ़ रही थी और यहाँ पे भी आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। यहाँ ही थी वो दुकान जिसको लूटा गया है और दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से बताया है कि लगातार इस मामले में अब जांच चल रही है, 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 15 लोग हिरासत में हैं और उनसे अब लगातार पूछताछ की जा रही है कि कौन किन परिस्थितियों में इस हिंसा को अंजाम दिया गया, कौन इनके दोषी हैं। आइए आपको दिखाते हैं हिंसा के वो सबूत जहाँ पर साफ दिख रही हैं तस्वीरें। ये आप देख रहे हैं सड़क पड़ी कालिक, ये बता रही है कि यहाँ पर एक बाइक को जलाया गया था, यहाँ पे पड़े पत्थर और इन पत्थरों से हुई तोड़फोड़, ये साफ दर्शा रही है कि यहाँ पर हिंसा हुई है। और ठीक सामने जो दुकान दिख रही है जिनका शटर बंद है, उस दुकान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि सुबह के वक्त वो दुकान जरूर खुली थी लेकिन अब वो दुकान दोबारा बंद की गई है। भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच चुका है जो चप्पे चप्पे पर तैनात है और यहाँ पे सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं डर है, लोगों में भय है, इस कारण जो है अभी अपना बाजार यहाँ पे
नहीं खोल रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि एक एक आरोपी को पकड़ा जाएगा। जिन आरोपियों की फुटेज दिल्ली पुलिस को मिल रही है, जिनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं, वो उन लोगों को पकड़ा जाएगा। और लगातार क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसकी जाँच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी बवाल के अंदर, इस हिंसा के अंदर गोलीबारी हुई है, गोलियाँ चली है, गोलियाँ किन लोगों ने चलाई हैं, ये गोलियाँ कहाँ से आई हैं, उन लोगों की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। और उसी के लिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम और स्पेशल सेल की करीब 10 टीमें इस इलाके में शिनाख्त कर रही हैं। और देखिए, लगातार जो पुलिस बल है वो मौके पहुंच रहा है। सभी के हाथ में आंसू गैस के जो बंदूकें हैं वो हैं, क्योंकि कल जिस वक्त हिंसा हुई थी, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे लाठीचार्ज भी किया था और आंसू गैस के गोले भी चलाए थे। तो अब आप समझ सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे जो एक माहौल है वो अभी बना हुआ है। पुलिस ने बैरिकेड कर रखे, हालांकि लोगों को आने जाने के लिए नहीं रोका जा रहा है, जो दुकानें उनको खोलने के लिए इजाज़त दी गई है, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो अपनी दुकानें बंद करे बैठे हैं। हालांकि आम लोग सड़कों पर जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि लगातार जांच की जा रही है और जो पुलिसकर्मी हैं, जो जांच में जुड़े हुए पुलिसकर्मी हैं, वो हर उस शख्स के घर जा रहे हैं जिसके बारे में पुलिस को सबूत मिल रहे हैं, और ये सबूत उन वीडियोस से मिल रहे हैं जो वीडियो उस वक्त यहाँ बनाई गई थी। लगातार दिल्ली पुलिस का जो लोकल इनपुट है वो यहाँ पर काम कर रहा है। लोकल थाने की पुलिस उन बदमाशों के घर पहुँच रही है जो इस थाना क्षेत्र से बीसी घोषित किए गए हैं, क्योंकि गोलीबारी हुई है और गोलीबारी में दिल्ली पुलिस का कहना है कि लोकल बदमाश शामिल हैं, उन्होंने ही यहाँ पर गोलियाँ चलाई हैं। जी मोहित, दिल्ली के और कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर अलर्टनेस बढ़ा दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जहां पर मुस्तैदी जवानों की बढ़ गई है, कौन कौन से वो इलाके हैं? देखिए, जितने भी दिल्ली में मिक्स पॉपुलेशन के इलाके हैं, खासकर से नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे दिल्ली पुलिस की गश्त को बढ़ाया गया है। साथ ही ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के कुछ इलाके हैं जहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है, अतिरिक्त बल तैनात किया गया, पहले मिलिट्री फोर्सेज के जवान खड़े किए गए हैं। खासकर से अगर नॉर्थ ईस्ट के इलाकों की बात करें तो कल देर रात वहाँ से अफवाह उड़ी थी कि वहाँ पर भी हिंसा शुरू हुई है, वहाँ पर कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के DCP संजय सेन सामने आए, जिन्होंने इस बात का खंडन किया कि वहाँ पर किसी तरीके की हिंसा नहीं हुई है। और इस तरीके की अफवाहों को फैलाने से लगातार दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पे मैसेज भेज रही है कि कोई भी ऐसी गलत खबरें ना फैलाए, और जो गलत खबर फैलाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसी अगर हिंसा ना हो उन इलाकों में, इसके लिए वहां पे अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है जो लगातार वहां पे गश्त कर रहा है। ईस्ट का, अगर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पे भी कुछ संवेदनशील इलाके हैं जहां पे मिक्स पॉपुलेशन है, दिल्ली दंगों के समय वहां पे दंगे हुए थे, उन जगहों पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली दंगों के दौरान जहां जहां पर बवाल हुआ था उन जगहों को खासकर चिन्हित किया जा रहा है, और अन्य डिस्ट्रिक्ट जो जहां पे मिक्स पॉपुलेशन है, जो संवेदनशील है दिल्ली पुलिस के नजरिए से, वहां पे इस वक्त अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। अगर बॉर्डर इलाके की बात करें तो दिल्ली से सटे हुए लोनी के अंदर आज 2 शोभा यात्रा निकलनी है, वहां पे गाजियाबाद पुलिस लगातार रात से तैनात है। खुद वहां के SSP जो है वो लगातार इस पूरे नजर बनाए रखी है उन्होंने, और उनका कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाली जाएंगी, लेकिन जिस तरीके दिल्ली में हिंसा हुई है तो बॉर्डर इलाकों में भी सख्त जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। ठीक है मोहित, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। वरुण लगातार हमारे साथ बने हुए। वरुण, इस मसले पर सियासत भी हो रही है, आज दिल्ली BJP का डेलीगेशन भी पहुंचने वाला है उस जगह पर जहांगीरपुरी में जहां पर कल ये हिंसा हुई, और इसके साथ ही इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की। VHP की तरफ से बयान आया कि इस्लामिक चरमपंथियों ने इस हमले को अंजाम दिया है। वरुण, एक तो इस मसले पर सियासत से बचना चाहिए, और दूसरी बात, अभी पहले तो आप मेरे को पीछे की तस्वीरें दिखाइए, आपके साथ कुछ लोग खड़े भी हैं, अगर आप उनसे बात कर सकें वो लोग क्या कह रहे हैं। आपके पास मैं वापस आ रही हूँ, इस बीच कुछ तस्वीरें भी आ गई हैं, उन तस्वीरों पर एक बार फिर से हम नज़र डाल लेते हैं। जहांगीरपुरी में उपद्रवियों ने कल जमकर उत्पात मचाया, शोभा यात्रा के दौरान पथराव किया जिससे कई लोग जख्मी हो गए, कुछ पुलिसकर्मियों को भी गंभीर चोटें आई हैं। हिंसा के बाद जहांगीरपुरी इलाके में सड़कों पर ईंट पत्थर, टूटा हुआ कांच की बोतलें, जली गाड़ियां नजर आई हैं। ये सब नजारा देखने के बाद, ये सब तस्वीरें देखने को मिली हैं। जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के दौरान दुकानदारों से लूट की वारदात को भी अंजाम दिया गया। जहांगीरपुरी में जब बवाल शुरू हुआ तो आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई। इस वक्त जहां हम खड़े हैं वहां पे ठीक एक बाइक जलाई गई थी, और आगजनी के दौरान यहां दुकानों में लूटपाट की भी कोशिश की गई। हमारे साथ एक गर्ग स्टोर के मालिक हैं जो बता रहे हैं कि इनकी दुकान में किस तरीके से कल उपद्रवी घुसे हैं और यहाँ पे लूटपाट की कोशिश की है। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश गर्ग। सुरेश जी, कौन लोग थे जो यहाँ पे आपकी दुकान में लूटपाट करने की कोशिश कर रहे थे? हमें नहीं पता कौन थे, वो कभी नहीं देखे इस इलाके में, हमें नहीं देखे। तो भीड़ के रूप में आए थे या अकेले एक दो शख्स आए थे? भीड़ के रूप में। और क्या कह रहे थे वो लोग आपसे? हमें नहीं, हम तो उनको देख के ना अपने दुकान से अंदर घुस गए हम तो।
हमने जान बचाने भारी पड़ गई थी। अच्छा। हाँ, जिले से भैया लूटपाट करके अपना, जब भैया जब भीड़ आई थी ना, भीड़ आई थी तो कुछ ही सामान अंदर कर पाया था मैं। अंदर अंदर घुस के मैंने शटर डाउन कर लिया, अंदर से लॉक कर लिया मैंने अपने आप को। बाहर से आवाज आ रही है कि मेरा सामान लूट रहा है, बस। क्या सामान ले गए वो लोग? कैश था, कैश मेन तो कैश है। कितना कैश गया आप लोगों का? 20,000 हाँ। और दूसरा सामान का कोई पता नहीं अब कितना गया है, क्या गया है सामान का, सामान का बाद में पता चलेगा। माता जी आप भी यहाँ पे थे जब दुकान लूट हो रही थी? नहीं मैं नहीं थी, यही थे बस मैं कर। जिस दौरान भाजी ये हुआ था उस दौरान क्या एक डर का माहौल था, आप लोग भाग रहे थे, सामान छुपा रहे थे? हाँ डर का माहौल था, हम खुद अपने आप बचाने भारी पड़े थे हमें। पुलिस ने कितनी देर में आके संभाला मौका? पुलिस तो मैंने 15-20 मिनट बाद आई है। और जब तक यहाँ आगजनी और लूटपाट होती रही? भैया पुलिस थी यहाँ पे, लेकिन जब मान लो हजारों लोग हैं, 1,000 लोग हैं, 4 पुलिस वाले उसमें क्या करेंगे? 4 होंगे 10 भी होंगे तो क्या करेंगे? आपकी दुकान के बाहर आगजनी भी की गई थी? वहाँ पे आग जल रही थी उधर साइड में, किसकी थी? स्कूटी जली थी। किसकी स्कूटी थी ये नहीं पता मुझे। तो ये आपके साथ ही हुआ था, आस पड़ोस की और दुकानों में भी ऐसा कुछ हुआ था? आगे भी सुना है, 1-2 दुकानों में लूटपाट हुई है, कंफर्म नहीं है। आगे सुना है एक केमिस्ट शॉप है उसमें लूटपाट सुना हुआ है। बाकी आप इनके बेटे हैं? हाँ। आप दोनों उस वक्त दुकान में मौजूद थे जब ये हुआ है? क्या समय था अंकल जब ये लूटपाट शुरू हुई? 6:20 के आसपास का समय था। तो आप समझ सकते हैं जब सुबह यात्रा यहाँ से निकल रही थी उस दौरान जब उपद्रव यहाँ पे हुआ, उस उपद्रव के दौरान ना सिर्फ आगजनी लूट मारपीट की घटनाएं सामने आई बल्कि लूटपाट की घटनाएं भी सामने आई हैं। जो सुरेश गर्ग हैं यहाँ पे अपने ग्रॉसरी स्टोर चलाते हैं और इनके बेटे इनके साथ मौजूद थे। इन्होंने देखा जब यहाँ भीड़ आ रही है तो इन्होंने आनन फानन में अपना सामान अंदर करने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा सामान अंदर नहीं कर पाए। और उनके गले से बता रहे हैं कि करीब 20,000 रुपये निकाले गए हैं, उसके अलावा और सामान की भी लूटपाट हुई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस बल मौके पर मौजूद है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवानों को तैनात किया गया, साथ ही दिल्ली पुलिस लगातार इस इलाके में गश्त कर रही है कि अब स्थिति को कंट्रोल में किया जाए और कोई भी ऐसी घटना ना घटे जिससे यहाँ पर एक बार माहौल फिर खराब हो। कैमरामैन रणधीर के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नवभारत, दिल्ली। वरुण वसीम के पास मैं वापस जाती हूँ। मोहित की आप रिपोर्ट देख रहे थे। वरुण मैं कह रही थी कि इस खबर को, इस पूरे मामले को, इस पूरी हिंसा को सियासी रंग देने की भी कोशिश की जा रही है, सांप्रदायिक रंग देने की भी कोशिश की, वो हम बयानबाजियों से समझ सकते हैं। ऐसे में वरुण अगर बड़ी जिम्मेदारी किसी की है तो वो आम जनता की है, आम लोगों की है कि वो ऐसे बयानों को, ऐसी तस्वीरों को फ्लोट ना करें जिससे लोग भड़कें, किसी तरह के बहकावे अफवाह में ना आएं, और जितना सपोर्ट कर सकते हैं दिल्ली पुलिस का करें अगर उनको पहचान उन शख्स की हो जाती है जिन लोगों ने हिंसा की है उन लोगों की। तब जी बिल्कुल, देखिए सियासी आरोप और प्रत्यारोप पत्थरबाजी की तरह ही है कि एक तरफ से पत्थर आता है तो वही पत्थर उठा के दूसरी तरफ फेंका जाता है, और कुछ ऐसा ही यहाँ पर जहांगीरपुरी इलाके में हुआ था कि एक तरफ से जब इस गली के में सामने की तरफ से पत्थर फेंके गए तो यही पत्थर जो यहाँ पर आकर गिर रहे थे उनको दूसरी तरफ फेंका गया और उसको एक हिंसा का रूप बताया गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरफ से पत्थर आए हैं तो इस चीज़ को समझना होगा। जो लोग हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जो आसपास का बाजार लगा हुआ था वहाँ पर आग लगा दी गई, वहाँ लोग पहुँच चुके थे यहाँ तक, जो आसपास पीछे लोग रहते हैं वो बता रहे थे कि हमारी गलियों तक पहुंच चुके थे और हमारे घर के बाहर आकर इन चीजों पर आग लगाई गई है। तो यानी कि जो स्थिति थी, जो वीडियोस लगातार टाइम्स नाउ नवभारत दिखा रहा है, तो वो अपने आप में इस चीज को बयां कर रहे हैं कि वो स्थिति तो इस वक्त बेहद ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। उसको संभाला गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, बेशक संभाला गया, लेकिन जो जिन लोगों के साथ ये चीज बीती थी उस चीज को समझना पड़ेगा। लेकिन वो मैं गलियां आपको दिखा रहा हूं, वो संकरी गलियां हैं जिसमें घुसना पड़ रहा था, और उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप इन गलियों को देखें तो क्या हुआ था, अगर आप पूरा समझाएंगे तो देखिए इस वक्त लोग थोड़ा सा अब वो संवेदनशील है, लोग भी घबराने लग गए हैं, लेकिन वो ये वही गलियां हैं जिस तरफ इन गलियों में घुस घुस कर वो बातचीत कर रहे थे, और अब और लोग हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या इस वक्त वो स्थिति थी, वो हुई थी कुछ, जो अब लोग हैं धीरे धीरे गलियों से बाहर आने लगे हैं। मैम क्या हुआ था कल, अगर आप पूरा थोड़ा सा? यहाँ पे तो हम थे नहीं, हम तो बाहर थे, लेकिन ये सड़क का क्या हालात थे अगर आप? बहुत बुरा हाल था, इधर से इतने बंदे आए थे कि पूछो मत ना, सारे अपने घरों में घुस के गेट बंद कर लिए थे। एक बार घबरा जाते हैं, आप आस पास रहते हैं कुछ? हमने अपने गेट बंद कर लिए, बच्चे अंदर हो गए हमारे, सब बच्चे तो अभी भी नहीं निकल रहे बाहर डर की वजह से, बाहर खेल रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि आसपास हैं, सुरक्षित हैं गलियों में, लेकिन जब इस तरह की चीज, यहाँ तक कि खेलते हैं कभी, पहली बात तो बच्चे आते नहीं है, यहाँ का माहौल इतना खराब है, हम बच्चों को आने नहीं देते। अभी भी बच्चे घर से बाहर नहीं निकल रहे? नहीं, डर रहे हैं, बच्चों के दहशत है, इतनी बुरी दहशत है कि अब भी अंदर ही है, ना ही रात से खाना पीना भी कम कर रखा है। बाहर हम देख रहे हैं कि जलने का है उसका है, तो कौन लोग आकर यहाँ क्या जलाया जा रहा था, क्या हो रहा था उसमें? अब ये नहीं कह सकते किसने, पर हाँ बहुत पथराव हुआ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा गाड़ियाँ भी टूटी हैं।
गाड़ियां भी टूटी, बहुत पथरा हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए वो चश्मदीद अपने आप में बता रहे हैं कि जो हालात थे वो बेहद ज्यादा बिगड़ गए थे, लेकिन मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को, पूरे दिल्ली के लोगों को, पूरे भारत में ये संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में इस वक्त शांति बनी हुई है, लोग अपने घरों से आराम से निकल रहे हैं, किसी तरह का कोई कर्फ्यू नहीं है। अब वो जांच चल रही है कि जिस तरह के वीडियो सामने आए, जिस तरह की हिंसा हुई, उस पर आगे किस तरह से काम किया जाएगा, लेकिन इस वक्त दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शांति बनी है, लोग अपने घरों से निकल सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी उपद्रव का इस वक्त कुछ ना हो, इसको देखते हुए पुलिस का बल इस वक्त बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन कोई भी तरह की अशांति या कोई भी तरह की कोई गुटों की लड़ाई इस वक्त जहांगीरपुरी दिल्ली में नहीं। हनुमान जयंती के दिन जुलूस के दौरान हिंसा की घटना सामने आई। कर्नाटक के हुबली में एक युवक के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद विवाद हो गया। पोस्ट पर एक्शन की मांग को लेकर एक समुदाय विशेष ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की और पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 5 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हो गए। इस दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया और आगजनी की गई। आंध्र प्रदेश के कुरनूल में 2 समुदायों के बीच में झड़प हो गई थी। यह हम आपको कर्नाटक, दिल्ली और आंध्र प्रदेश की तस्वीर दिखा रहे हैं। कर्नाटक के हुबली और आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली थी और दिल्ली के जहांगीरपुरी से लगातार एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां भी कल हिंसा हुई। शोभा यात्रा के विवाद बढ़ने पर सैकड़ों लोग जमा हो गए थे, पथराव शुरू कर दिया था, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस पहुंची और उपद्रवियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से खदेड़ा। ये हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, लखनऊ, नोएडा, बागपत, बुलंदशहर, कुशीनगर, गोंडा की। देखिए दिल्ली में कल जिस तरह के हालात बन गए थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट पर पुलिस है, वहां पर भी सतर्कता पूरी बढ़ती जा रही है। दिल्ली नहीं, आंध्र प्रदेश में भी हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के दौरान बवाल हुआ। कुरनूल जिले के होलागुंधा गांव में 2 समुदायों के बीच झड़प हुई। शोभा यात्रा के विवाद बढ़ने पर सैकड़ों लोग जमा हो गए, पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ा गया। टाइम्स नाउ नवभारत को अलूर इंस्पेक्टर ने बताया कि दोनों समुदायों की तरफ से पथराव किया गया, जिसमें कई लोग जख्मी हुए। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को काबू में कर लिया। हिंसा को लेकर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच तेज कर दी है। तो दिल्ली हिंसा की पूरी टाइमलाइन इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। घरों में पथराव किया गया, दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस ने एकदम से वहां पहुंचकर भारी तादाद में मोर्चे को संभाला। हिंसा के बाद जेएनयू में भी सख्ती बढ़ा दी गई है, यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये फिलहाल तस्वीर आप आंध्र प्रदेश के कुरनूल की देख रहे हैं, जहां पर हनुमान जयंती के मौके पर जहां एक तरफ शोभा यात्रा निकल रही थी, वहां भी पथराव एकदम से शुरू हो गया था। देश के कई हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है कुरनूल में भी और इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। अभी तक कुरनूल में जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, उसमें 20 लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। उन लोगों पर अब कड़ी धाराओं में कार्रवाई होगी। इन लोगों से पूछताछ भी पुलिस कर रही है। कर्नाटक के हुबली में एक युवक के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद विवाद हो गया था। पोस्ट पर एक्शन की मांग को लेकर एक समुदाय विशेष पुलिस स्टेशन पहुंचा और पुलिस स्टेशन पहुंचकर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 5 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हो गए। इस दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की है। सुरक्षा बलों ने हालात को कंट्रोल में किसी तरह किया। विवादित पोस्ट करने वाले युवक को अरेस्ट भी कर लिया गया है। ये खबर कर्नाटक के हुबली की है, जहां पर एक विवादित पोस्ट के बाद यह मामला लगातार गर्माता चला गया, विवाद बढ़ता चला गया और जब इस पोस्ट पर एक्शन की मांग को लेकर एक समुदाय पुलिस स्टेशन पहुंचा कि इसमें जांच की जानी चाहिए, वहां पर उन लोगों ने पहुंचकर पथराव भी शुरू कर दिया, जिसमें 5 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हो गए। ये जो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूपी की राजधानी लखनऊ, नोएडा, बागपत, बुलंदशहर, कुशीनगर, गोंडा की, यहां पर पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। हालात यहां पर बिगड़े ना, इसको लेकर कड़ी निगरानी है, पुलिस का पहरा है। मोहित ओम लगातार हमारे साथ बने हुए। मोहित, कल दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो कुछ हुआ, इस पर तो जांच चल रही है, लेकिन इस घटना को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट पर है और आज भी दिल्ली के कई इलाकों से शोभा यात्रा गुजरनी है, ऐसे में वहां पर भी भारी मात्रा में तैनाती पुलिस की बहुत जरूरी है। अब
बिल्कुल देखिए, कल जैसे दिल्ली में हिंसा हुई है उसके बाद दिल्ली से सटे जो बॉर्डर इलाके हैं, खासकर से गाजियाबाद अगर नोएडा की बात करें तो वहाँ पे पुलिस बल काफ़ी तैनात किया गया है, क्योंकि अगर गाजियाबाद के लोनी की बात करें तो वहाँ पे आज दो शोभा यात्राएं निकलनी है, जिस कारण देर रात से वहाँ पे सुरक्षा बल तैनात किया गया है। खुद वहाँ के SSP मुनिराज जो हैं वो देर रात तक वहाँ बने रहे और सभी जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं उन पर अपनी एक वो अपनी उन्होंने निगाह बनाए रखी हुई थी। और उसके अलावा अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में मिक्स पॉपुलेशन रहती है। अगर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का चांदनी चौक का ऐसा एरिया है जहां से कल शोभा यात्रा होकर गुजरी थी, वहां पे भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था और आज भी वहां पे पुलिस बल तैनात किया गया है। अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पे जामा मस्जिद का इलाका ऐसा है जहां पे मिक्स पॉपुलेशन काफी देखने को मिलती है और वहां पे भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में कल देर रात को अफवाह का दौर चला था कि वहां पे हिंसा हुई है और 4 से 5 लोग वहां पे घायल हुए हैं, लेकिन वहां के DCP संजय सेन सामने आए और उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर इस बात का खंडन किया कि वहां पे किसी तरीके की हिंसा नहीं हुई है। और वो ऐसा इलाका है जहां जो दंगों से गुजर चुका है, 2 साल पहले वहां पे हमने भीषण दंगे देखे थे और वहां पे इसके मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। ना सिर्फ दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट जिले में तैनात किया गया है। ऐसी अगर साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहां पे भी जामिया और शाहीनबाग ऐसे इलाके हैं जहां पे मिक्स पॉपुलेशन रहती है और वहां पे भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो दिल्ली के कई इलाके जो अति संवेदनशील माने जाते हैं वहां पे इस तरीके से पुलिस बल की तैनाती बढ़ाई गई है और दिल्ली में किसी तरीके की दोबारा से ऐसी हिंसा ना हो उसके लिए खुद दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं वो अपनी बारीकी से उन्होंने निगाह बना रखी है, आला अधिकारियों को मौके भेजा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पुलिस की ब्रीफिंग हो रही है। खुद जो DCP क्राइम हैं यहाँ पे रोहित मीना पहुंचे हुए हैं, उन्हीं के अंडर में 10 टीमें बनाई गई हैं और जो यहाँ पे जांच कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर क्राइम ब्रांच के जो जवान हैं, जो उनकी टीमें हैं, उनको यहाँ पे ब्रीफ किया जा रहा है और उसके अलावा खुद जो ACPs हैं वो मौके पर खड़े हैं। कई ACP इंस्पेक्टर हैं, लोकल थाने के SHO यहाँ पे मौजूद हैं, जो बाहर टीमें जो आई, जो एक्सपर्ट टीमें आई हैं उनको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिस बल यहाँ पे मौके पर तैनात किया गया है और यहाँ पर एक एक बारीकी से पूरी हिंसा की जाँच की जा रही है, आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। 9 लोगों को गिरफ्तार भी करा जा चुका है, हिरासत में जो लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और जितने पुलिस के सामने वीडियोस आ रहे हैं सभी वीडियोस को खंगाला जा रहा है। पुलिस एक एक वीडियो को खंगाल रही है, उसको साइंटिफिक तरीके से वेरीफाई कर रही है कि कहीं वो वायरल वीडियो तो नहीं है, कहीं और की हिंसा का वीडियो यहां तो नहीं, इस जहांगीरपुरी के नाम से वायरल तो नहीं किया जा रहा। हर एक वीडियो को साइंटिफिक एविडेंस के साथ पुलिस खंगाल रही है और जो लोग उस पर नजर आ रहे हैं उनके बारे में पहचान की जा रही है, क्योंकि एक अपराधियों को दिल्ली पुलिस के पास डेटाबेस होता है, उन डेटाबेस से मैच किया जा रहा है कि वो अपराधी इस हिंसा में शामिल तो नहीं थे। और जो जहांगीरपुरी थाने के आसपास के जो थाने हैं जो अति संवेदनशील थाने माने जाते हैं, वहां के जो BCs हैं, यहां के जो बैड करेक्टर हैं, परमानेंट ऑफेंडर हैं, उनकी लिस्ट निकाली गई है और उन वीडियोस में खंगाला जा रहा है कि ये लोग तो यहां पे नहीं थे और उन बैड करेक्टर्स को जिनसे लगातार दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है, क्योंकि यहां पे गोलियां चली हैं और पुलिस का कहना है कि जो गोलियां चली हैं वो यहां के लोकल बदमाशों ने चलाई हैं और उनके बारे में पुलिस अब जांच निकाल रही है, इसलिए आर्म्स एक्ट में भी FIR दर्ज की गई है। तो अब पुलिस हर एंगल से यहां पर जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है उन लोगों से जिन लोगों को हिरासत में लिया गया और 9 लोगों को इस पूरी घटना के अंदर अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है और यह संख्या निस्संदेह बढ़ने वाली है, क्योंकि जो वीडियो सामने आए हैं निकलकर उन वीडियोस में बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। खासकर से आपको वो इलाका दिखाते हैं जहां से लोग लाठी डंडे लेकर आए थे, जब वो सामने का क्षेत्र है जहां पे पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ है और वहां लगातार पुलिस जो है अपनी गश्त बढ़ा रही है और इस इलाके से सबसे ज्यादा लोग लाठी डंडे तलवारें लेकर आए थे जिनके वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जबकि जो वो इलाका है जहां से रूट नहीं था, जो रूट था शोभा यात्रा का वो इस मंदिर मस्जिद वाली एरिया से होते हुए सी ब्लॉक से होते हुए कुशाल चौक से राइट की तरफ मुड़ गया था और लेकिन उल्टे हाथ की तरफ से लोग बड़ी संख्या में नजर आए थे और वो वीडियोस पुलिस को मिले हैं और पुलिस सभी वीडियोस को खंगाल रही है और जो आरोपी पर नजर आ रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर का कहना है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 15 लोग अभी हिरासत में थे, लेकिन इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है क्योंकि जो वीडियो उसके सामने काफ़ी चेहरे नजर आ रहे हैं उन सभी चेहरों को पुलिस खंगाल रही है। आप देखिए किस तरीके से पुलिस बल यहां पर तैनात है, जगह जगह टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे टुकड़ों में पुलिस को ब्रीफ किया जा रहा है। एक तरफ पैरामिलिट्री के जवान मौजूद हैं, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, ये वो अधिकारी हैं जो लोकल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, लोकल थाने के SHO यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा क्राइम ब्रांच की टीम को अलग ब्रीफ किया जा रहा है, क्राइम ब्रांच के जो DCP है वो यहाँ पर मौजूद हैं, 10 टीमें बनाई गई हैं दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच की टीम है जो खंगाल रही है एक एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को खंगाल रही हैं, जिसको हिंसा के जो पूरी हिंसा के पीछे साजिश है उसको बेपर्दा किया जा सके। जो रूट था उस रूट पर बैरिकेड किया गया है, वहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, गलियों के अंदर पुलिस बल जा रहा है, जो एक एक
उस शख्स को पकड़ने की कोशिश की जा रही है जो इस हिंसा के अंदर शामिल था। तो पुलिस ने विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है जिसमें दंगा, सरकारी काम में बाधा डालना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ कई ऐसी कड़ी धाराएं हैं जिसमें मामला दर्ज है। धारा 147, 148, 149, 186, 353, 332 और साथ ही 27 आर्म्स एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। पूरी प्लानिंग के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया। पथराव करने से पहले, तोड़फोड़ करने से पहले सीसीटीवी को तोड़ दिया गया ताकि उनकी पहचान ना हो सके। लेकिन आपको बता दें अभी तक पुलिस ने 9 गिरफ्तारियां इस मामले में कर ली हैं। उनसे पूछताछ में ये कितना बड़ा नेक्सस है, कौन इसका मास्टरमाइंड है, सब निकलकर सामने आएगा। मोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरुण आपके पास भी मैं आपके पास भी मैं आऊंगी, अपडेट आप पहुंचाइएगा।